उत्तराखंड से आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। बड़ी खबर, पुष्कर धामी ने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया है। गृह समेत 23 विभाग सीएम धामी ने अपने पास रखे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं, बड़ी खबर उस वक्त की। गणेश जोशी को कृषि और सैनिक मंत्रालय सौंपा गया है, तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। धन सिंह रावत को शिक्षा और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय दिया गया है। सुबोध उनियाल राज्य के नए वन मंत्री बनाए गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है, तो तमाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। चंदन रामदास को समाज कल्याण और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। सौरभ बहुगुणा को पशुपालन और गन्ना विकास का जिम्मा सौंपा गया है, ये मंत्रालय सौरभ बहुगुणा को दिया गया है। तो सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी मंत्री बने हैं। सतपाल महाराज को ही संस्कृति और ग्रामीण विभाग का भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल को शहरी विकास और आवास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा गणेश जोशी को ग्राम विकास और उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण विभाग भी सौंपा गया है। धन सिंह रावत को सहकारिता मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया है। तो तमाम मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया है। सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी समेत 8 विभाग संभालेंगे। सुबोध उनियाल को भाषा तकनीकी शिक्षा का भी प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा सुबोध उनियाल वन के समेत 4 और विभाग संभाल रहे हैं। धन सिंह रावत शिक्षा समेत 6 विभाग संभाल रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो शहरी विकास मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। वित्त के साथ साथ 6 और विभाग उनको दिए गए हैं। तो पुष्कर धामी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। गृह समेत 23 विभाग सीएम धामी ने अपने पास ही रखे हैं। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पीडब्ल्यूडी समेत 8 विभाग सतपाल महाराज के पास होंगे। प्रेमचंद अग्रवाल के को वित्त मंत्री बनाया गया है। गणेश जोशी को कृषि और सैनिक कल्याण का जिम्मा सौंपा गया है। कृषि समेत कुल 9 विभाग गणेश जोशी के पास हैं, उनके पास विभागों को रखा गया है। तो पुष्कर धामी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। रेखा आर्य को महिला बाल विकास समेत 4 मंत्रालय सौंपे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम धन सिंह रावत की, तो शिक्षा समेत 6 विभाग उनको सौंपे गए हैं। चंदन रामदास को परिवहन समेत 6 विभाग सौंपे गए हैं। तो तमाम मंत्रियों में विभागों का बंटवारा जो है वो हो चुका है। ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अजीत, बंटवारा हो गया है इंतजार के बाद, अब क्या, किस तरीके से देखें इस बंटवारे को, कैसे समझें इसे? देखिए, इसमें मंथन तो बहुत हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क हुआ है। यूपी से पहले यहाँ पर सरकार की ओर हो गई थी, लेकिन यूपी के विभाग 2 दिन पहले बढ़ गए और हमारे विभाग आज बढ़ रहे हैं, तो काफी चीजें हुई। लेकिन जैसे धन सिंह रावत हैं तो धन सिंह रावत को वही विभाग रिपीट कर दिए गए हैं। जैसे सुबोध, जैसे सतपाल महाराज हैं तो उनको फिर से पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग दिया गया है। तो जैसे मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, रेखा आर्य को वही सब विभाग दिए गए जो पहले से थे, चंदन रामदास को तमाम विभाग दिए गए हैं जो यशपाल आर्य के पास थे। और ये मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, जो क्रांतिकारी कोई परिवर्तन इस तरह से आया हो। ज्यादातर मंत्रियों को वही विभाग वापस कर दिए गए, केवल सुबोध उनियाल का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनसे हटाकर किसी दूसरे को दिया है। सुबोध उनियाल चूंकि हरक सिंह रावत नहीं है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनका अपना, उनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको दे दिया गया है। जबकि रेखा आर्य वही महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री बनी है। और मतलब इसमें जो एक होमवर्क जैसा लग रहा था कि बहुत विस्तृत होमवर्क करने के बाद राज्य सरकार ये सारे डिपार्टमेंट जारी करेगी, तो वो लग नहीं रहा है। यशपाल आर्य जो जिनके पास, यशपाल आर्य के पास जो विभाग थे वो सारे चंदन रामदास को दे दिए गए हैं। सौरभ बहुगुणा को भी मतलब जैसा माना जा रहा था कि उतने उस तरह के विभाग तो नहीं थे, उनको गन्ना और दूसरे डिपार्टमेंट दे दिए गए। लेकिन धन सिंह रावत जस के तस रहे, सतपाल महाराज जस के तस रहे, और रेखा आर्य के विभाग भी विधि मतलब वही बिल्कुल कंटिन्यू है। प्रेमचंद अग्रवाल को फाइनेंस और संसदीय कार्य मंत्री बनाकर, मतलब चूंकि फाइनेंस एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है, बजटिंग होती है, संसदीय कार्य चूंकि एक मंत्री चाहिए होता है, तो वो एक होमवर्क जो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए था, मतलब जो बदलाव
उम्मीद कर रहे थे कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, अमूलचूल परिवर्तन, वो वैसा नहीं हुआ। हालांकि चूंकि पहले से जो मंत्री, सरकार की एक सोच ये भी रही होगी, जो मंत्री पहले से जिन विभागों में काम कर रहे थे तो उन्हीं विभागों में उनको रख दिया जाए कंटिन्यूअसली, जो प्रोजेक्ट जो योजनाएं चल रही है तो वो मंत्री उनकी मॉनिटरिंग करके उनको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ सरकार के मन में रहा होगा, इसीलिए ज्यादातर मंत्रियों के विभाग नहीं बदले गए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये और जरूर है कि चूंकि पहले से मंत्रिमंडल का स्वरूप बहुत बदल गया है, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, ईश्वरानंद, अरविंद पांडे, मदन कौशिक, मतलब बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको, जो मंत्रिमंडल में नहीं है। तो अगर इस तरह से भी हम देखते हैं, चूंकि जो नए मंत्री आए हैं उनके लिए वो नए विभाग हैं, तो वो चूंकि पहले मंत्री नहीं रहे थे, लेकिन जो मंत्रिमंडल में पुराने लोग हैं, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्या और सुबोध उनियाल, तो मतलब इन विभागों को, इन मंत्रियों के विभागों को अगर हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो सुबोध उनियाल में तो थोड़ा आंशिक फेरबदल लग रहा है, लेकिन बाकी को जसका तो सरकार बिल्कुल बिल्कुल अच्छी, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई फेरबदल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन काफी वक्त लिया गया, काफी मंथनों का दौर चला। आपको लगता है कि तमाम समीकरणों को साथ कर ही एक बार फिर से वही मंत्रालय रिपीट कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि पुराने मंत्रियों का या तो दबाव रहा होगा या मुख्यमंत्री का ये नजरिया रहा होगा कि जो पहले से जिन विभागों में काम कर रहे हैं उनको वही विभाग दे दीजिए ताकि जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें कोई व्यवधान ना हो। लेकिन फिर भी मतलब पब्लिक को नई सरकार के नए मंत्रिमंडल में मतलब एक नई चीज देखने की जो चाहत थी वो पब्लिक की पूरी नहीं हुई है। एक रिवोल्यूशनरी जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं हुआ है, और इसके पीछे सरकार की दोनों ही मंशा हो सकती है, या तो वो जो कंटिन्यूअस जो चीजें चल रही है उनको तोड़ना ना चाहती हो, और या फिर मंत्रियों का दबाव भी हो सकता है कि हमें पुराने ही विभाग चाहिए। जैसे धन सिंह रावत हेल्थ मिनिस्टर थे तो हेल्थ में बहुत कोई उन्होंने रिवोल्यूशनरी काम तो नहीं किया, कोई क्रांतिकारी कदम तो नहीं उठाया, लेकिन हेल्थ पूरा उदित किया गया। बिल्कुल अजीत, अजीत देखिए 2024 भी अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो क्या लगता है कि इसी विनिंग टीम को एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया है ताकि 2024 में भी यही टीम जीत हासिल कर पाए उत्तराखंड में? प्राची देखिए, ये आपने बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि 2024 का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, और प्रधानमंत्री को तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले एक छोटा लक्ष्य और सरकार के सामने है। जो अगला जो वर्ष है 2023, उसमें उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, उनके चुनाव होने हैं, और उसमें अगर चुनाव में रिपोर्ट कार्ड सरकार का देखा जाएगा, अगर उसमें रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो ये रिपोर्ट कार्ड मान लिया जाएगा, सरकार का पहला इम्तहान 2023 में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाला है, और वही एक बैरोमीटर होगा, वही एक लिटमस टेस्ट होगा सबसे पहले जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, उसमें लोग उसके नतीजे, जो निकायों के नतीजे होंगे, तो उसी रूप में देखेंगे, और फिर 2024 का तो एक मेगा एग्जाम सरकार के सामने खड़ा है जिसकी तैयारियां अभी से। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, और इन्हीं तमाम समीकरणों को साध कर ये जो पूरा मंत्रिमंडल है उसका बंटवारा किया गया है, विभागों का बंटवारा किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी के लिए।